अर्निम ज़ोला इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन को भी कंट्रोल कर चुका है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ऐसा होगा। और रही बात वॉचर की, तो भाई वो तो बहुत चालू निकला। उसे फ्यूचर की सारी बातें पता थी, कैसे अल्ट्रॉन हारेगा सब। मतलब यार हम बोल रहे थे वॉचर पिट गया, लेकिन अब हम गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि बेशक वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के बराबर नहीं था, पर बाकी चीजों में वो काफी आगे निकला। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के तो कहने ही क्या, इन्फिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर। तो व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में और क्या खास था, आज हम यही जानेंगे। बट साथ में आपके कुछ मेजर क्वेश्चंस एंड ईस्टर एग्स भी होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड शुगर इस पे ले लाइक के बटन को भी स्मैश कर दें, एम सिर्फ 9000 लाइक्स का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की मल्टीवर्स के सबसे धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज को अल्ट्रॉन को हराने के लिए ले जाने से स्टार्ट होता है। चाहे ये बात कैप्टन कार्टर से शुरू होती है, यानी व्हाट इफ के एपिसोड्स के ही अकॉर्डिंग। और यहाँ इस वक्त ये कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का टाइम चला हुआ है, यानी मूवी में कैप्टन की मुलाकात बकी से पहली बार यही होनी थी, जहाँ सीन में पायरेट से एक शिप चुरा कर ले जा रहे होते हैं। और यहाँ शील्ड का कुछ कांड होता है जो कैप्टन को अच्छा नहीं लगता। पर इस यूनिवर्स में है कैप्टन कार्टर, और बकी भी उस ट्रेन से गिरकर नहीं मरा होता है, इसलिए यहाँ में विंटर सोल्जर नहीं दिखेगा। जब मूवी की तरह यहाँ हमला पायरेट्स पर ही होता है, जहाँ फाइट के दौरान ही वॉचर आ टपकता है, एंड ये कहकर कि कैप्टन कार्टर द सोल्जर लॉस्ट इन टाइम यू हैव बीन चोजन, उसे ले भागता है, आई मीन अपने साथ ले जाता है। पर याद रहे, यहाँ कार्टर की बेस्ट फ्रेंड नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो थी, जो पेगी से कहती है कि बर्नार्डो से डेट पे ले जाने के लिए पूछ रहा था। जहाँ ये नाम एक्चुअली कॉमिक्स में ब्लू मार्वल का है, जो एक बहुत लेजेंडरी सुपर हीरो होता है। आगे आता है सेकंड एपिसोड वाला स्टार लॉर्ड टिचाला, लीडर ऑफ रेवेजर्स एंड इस यूनिवर्स में बहुत फेमस है, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे पीटर क्विल और दुनिया को बचाते हुए ईगो को टपका देता है। मरा पता नहीं होगा कि नहीं, जहां इसी सीन में डेली क्वीन का बोर्ड भी था, जो एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड ब्रांड है। और यहाँ हम सही से देख सकते हैं कि टिचाला के सभी दोस्त अर्थ को बचाने में लगे हैं, लेकिन वॉचर तभी इसी सबके बीच इसे भी ले जाता है। एंड देन कम्स अनदर यूनिवर्स, जो अभी तक हमने व्हाट इफ के किसी भी एपिसोड में नहीं देखा था। बट यहाँ पर आयरन मैन एंड गमोरा, जो थैनोस का आर्मर पहने हुए थी, दोनों नेडा विलर में इतरी से इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवा नहीं रहे, बल्कि डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि इतरी के हाथ इस यूनिवर्स में ठीक है। इस सीन में वॉचर बता रहा होता कि गमोरा थैनोस को टपका चुकी है, जहां टोनी भी उसके साथ ही था, और ये दोनों ही सकार प्लेनेट से सरवाइव करके आए हैं, क्योंकि टोनी के पास वहां के डिजाइंस वाला सकारियन आर्मर ही है। और लेगो के सेट्स में भी हम देख चुके हैं टोनी की एक बग इस सकार पर दौड़ रही थी, जो यही आर्मर था। जहां इसी सब खतरे से निपटने के बाद टोनी पूरी गैलेक्सी के अराउंड ही एक सूट ऑफ आर्मर बनाने के लिए कह देता है, जो क्या खतरा ला सकता है हमें नहीं पता। बट यहाँ फिर वॉचर गमोरा को भी ले जाता है। इसके बाद आता है किलमोंगर वाला वही एपिसोड, जिसमें वो टोनी को मार चुका है, जहाँ वकांडा वालों को पता लग गया है कि किलमोंगर ने धोखा दिया है, इसलिए वो उसके पीछे पड़े हैं। जहाँ अमेरिकन यहाँ हमला कर चुके हैं, या फिर किलमोंगर ही पूरे वकांडा की वाट लगा चुका है, इट इज नॉट क्लियर। देन कम्स द पार्टी थॉर, जो लास वेगस में अल्ट्रॉन के सेंट्री रोवर से लड़ रहा होता है, और बाप रे, यहाँ वो वॉचर को सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वाटू हाथों में उठा के उसे ले जाता है। थोर को लग रहा होगा वॉचर उसे खा लेगा, पर फिर वो बाकी सबके साथ एक पब में आ जाता है, वो भी चिल्लाते हुए, जहाँ पब का नाम था पब फसाड, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अरेंज किया होता है। मैं इविल नहीं बोल रहा, क्योंकि ये बंदा वो हमारा फेवरेट बन चुका है, बट सेम पब व्हाट इफ के पहले एपिसोड में भी दिखा था, जहाँ स्टीव और पैगी का चक्कर चल रहा था। बट यहाँ एक बात देखना, मूवी में भी ये पब है, उस सीन में पैगी और स्टीव भी एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ वो जगह पूरी तरह से टूट चुकी थी। एंड उस टाइम स्टीव बकी के खाई में गिरने के बाद दुख में शराब पी रहा होता है, तो देख सकते हो चीजें कैसी बदली गई हैं। इसके बाद ये काफी सही सीन भी था, जिसमें थोर रूम को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वो क्या देखता है, बाहर कुछ ऐसी कॉस्मिक चीज थी जो उसे खा ही लेती अगर वो उल्टे पैर वापस ना जाता तो। अब यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ मैटर की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि ऐसी ही जगह पर वॉचर और सारे हीरोज ये मीटिंग कर सकते थे, वरना अल्ट्रॉन उन्हें ढूंढ लेता। बट ये पब यहाँ एग्जिस्ट करता रहे, इसके लिए पूरी बिल्डिंग पर डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल्स लगी हुई हैं, जो अल्ट्रॉन से भी इनको छिपाई हुए होंगी। आगे फिर वॉचर की अपनी राम कहानी शुरू हो जाती है, कि कैसे अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ एक यूनिवर्स को तबाह कर दिया, और अब उनकी दुनिया भी या तो तबाह हो चुकी है या अटैक के अंडर होंगी, इसलिए अपना अपना घर बचाना है, तो उन्हें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बनना होगा। जब डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग अल्ट्रॉन को हराने का एक ही तरीका था, इन्फिनिटी स्टोन्स और उसकी बॉडी को अलग कर दें। बट ये एक सुसाइड मिशन होता है, इसलिए सभी थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन दूसरे सीन में थोर को भूख लग जाती है, जहाँ फिर से एक रियल वर्ल्ड रेस्टोरेंट का नाम आता है, यूएसए में बेस्ड एंजॉय चाइनीज क्विजीन। इसके बाद गमोरा एक काफी अच्छी चीज सामने लेकर आती है, द इन्फिनिटी क्रशर, जो डिजाइन था इन्फिनिटी स्टोन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन कम्स द प्लान, कैप्टन कार्टर बताती है कि सबसे पहले सोल स्टोन को लेना होगा, जहाँ फिर उसे गमोरा इन्फिनिटी क्रशर में डिस्ट्रॉय कर देगी। जहाँ सोल स्टोन को लेने की बात इसलिए हुई क्योंकि वो वैसे भी सबसे पावरफुल है, और अगर वो अल्ट्रॉन के पास रह जाए तो डायरेक्टली इन सबकी सोल्स को कंट्रोल कर लेगा, जिस वजह से फाइट तो दूर, हीरोज ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन आगे ऐसा होता नहीं है,
देन प्लान की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है एंड हीरोज वॉचर के साथ किसी अननोन यूनिवर्स के प्लैनेट पर चले आते हैं। जॉन सबको छिपाए रखने के लिए स्ट्रेंज अपनी स्पेल्स कास्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में इनफ इंटेलिजेंट लाइफ नहीं थी, इसलिए उन्हें छिपने के लिए मैजिक की जरूरत पड़ेगी ताकि नेक्स्ट डे अटैक करने से पहले अल्ट्रॉन उन्हें ढूंढ ना ले। यानी इसका मतलब इस यूनिवर्स में एनिमल्स और प्लैनेट्स हो सकते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट लाइफ में नहीं आते। इसके बाद स्ट्रेंज की काली शक्तियां उसमें से बाहर आने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो संभाल लेता है। जहां किलमोंगर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए गमोरा को उस पर विश्वास नहीं था। पर फिर इन सबका खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जहां स्ट्रेंज ये कहकर कि किसी वाइज सॉर्सर ने उसे कहा था कि डेथ को फेस करना पार्ट ऑफ प्लान होता है, वो कैलकुलेटर की लाइब्रेरी वाले एपिसोड में दिखे ओबैंग की भी बात करता है। देन आती है पार्टी थोर की जोश जोश में की हुई लाइटनिंग स्ट्राइक, जो अल्ट्रॉन का ध्यान मल्टीवर्स से उनकी तरफ खींच लेती है। जहां एक बात नोटिस करने वाली थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का चोगा पहले ये डिटेक्ट कर लेता है कि अल्ट्रॉन किधर से आने वाला है। इसके बाद अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स में आ गया और फाइट शुरू हुई, लेकिन मुकाबले के लिए स्ट्रेंज सब पर एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा देता है जो नॉर्मल स्पेल से बहुत पावरफुल थी। आगे की फाइट में पता चल जाएगा। जहां एक बात ध्यान देना, जो आर्मर इस मैजिक से प्रोड्यूस हुए सबके लिए वो डिफरेंट थे। देन हम देखते हैं वॉचर भी इनका साथ दे रहा है, जो कैप्टन कार्टर के कहने पर एक पोर्टल गमोरा और टिचाला के लिए खोल देता है, लेकिन वो ये इनके साथ फाइट नहीं कर रहा। आगे फाइट सीन्स काफी चीजें लेकर आते हैं। अल्ट्रॉन ने हीरोज पर हमला किया, लेकिन पहले के जैसे वो इतनी आसानी से नहीं मरे, जो बात उसे बहुत हैरान करती है। देन स्ट्रेंज की एक मल्टीप्लिकेशन स्पेल और यू कैन से डुप्लीकेशन स्पेल दिखी, जो सबसे फाड़ू सीन्स में से एक था, क्योंकि इससे एक नहीं बल्कि कई सौ म्योनिर बन गए थे, जिनसे डिफेंड करना इवन इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन के लिए भी मुश्किल हो रहा था। देन कैप्टन कार्टर के हमले को भी एक स्पेल कास्ट करके स्ट्रेंज ने इतना पावरफुल बना दिया कि अल्ट्रॉन की धज्जियां उड़ने लगी। फिर स्ट्रेंज के एक और अटैक के साथ सारे म्योनिर अल्ट्रॉन पे जा गिरे, और फिर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक, जिसके बिल्कुल पहले टिचाला बड़ी चालाकी से सोल स्टोन को चुरा चुका होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की असली पावर शुरू होती है, जिसे देख के सब हैरान हो रहे थे, लेकिन अल्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा, तब तक नहीं जब तक उसे ये पता नहीं चला कि सोल स्टोन उसकी बॉडी पर नहीं है। इसके बाद वो सीरियस हो जाता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक पोर्टल फिर उस पर ज़ॉम्बी हीरो फेंक देता है, जो व्हाट इफ एपिसोड 5 में बने थे, एंड सबसे पहले कैप्टन हॉकआई एंड फाल्कन नीचे गिरते हैं। तो शायद ये वही यूनिवर्स है जहाँ इस वक्त सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए यहाँ कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं थी। बट ऐसा भी हो सकता है कि डार्क स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए भी पोर्टल्स खोल सकता हो, और वो ये कर रहा है बिना स्लिंग रिंग के, जो मूवी में प्रॉपर सोर्सर सुप्रीम बनने के बाद वो नहीं कर पाया था, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में भी उसने स्लिंग रिंग ही यूज की थी। पर फिर अल्ट्रॉन ने वो कर दिखाया जो हम ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में देखना चाहते थे, कि इन्फिनिटी स्टोन से सारे ज़ॉम्बी कैसे मरते हैं। बट हैरानी की बात यह है कि ज़ॉम्बी वांडा इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी मरी नहीं थी, जिसका मतलब वो अपनी पावर्स यूज करते करते काफी पावरफुल हो चुकी है। जब उसने अल्ट्रॉन की चीखें जरूर निकाली, लेकिन फिर भी वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, वो भी शायद पूरी गैलेक्सी के साथ, यूनिवर्स नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सारे स्टोन्स की जरूरत होगी जितना हमें पता है। लेकिन फिर भी ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि जिस पोर्टल से हीरोज यूनिवर्स को छोड़कर जा रहे थे वो काफी अनस्टेबल हो जाता है। देन वो सब आ पहुंचते हैं उस यूनिवर्स में जहां से अल्ट्रॉन ने ये सब शुरू किया था, बट यहाँ सिर्फ नताशा ही बची हुई है, जो आते ही सोल स्टोन को उनसे चुरा लेती है। बट कैप्टन कार्टर की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली बातों के बाद उसने वापस लौटा दिया। देन हम देखते हैं अल्ट्रॉन सारे स्टोन्स के बगैर भी दूसरे यूनिवर्सेस में जा सकता है, जो बात को सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ऐसा करने के लिए प्रोबेबली उसे सारे स्टोन्स चाहिए होंगे, और ये दूसरा यूनिवर्स ही है, क्योंकि यहाँ अल्ट्रॉन यूनिवर्सल बैरियर तोड़कर आ रहा है, ना कि थैनोस की तरह स्पेस स्टोन को यूज करके। इसके बाद हमें पार्टी थोर की ताकत के बारे में भी पता चला, जो अल्ट्रॉन की इन्फिनिटी स्टोन से भरी पावर और वाइब्रेनियम बॉडी को म्योनिर से तोड़ देता है। फिर काफी फाइट करने के बाद अल्ट्रॉन का धीरे छूटने लगा, भाई तुम पहले इतनी जल्दी मर गए थे, अब क्यों नहीं मर रहे। इसके साथ ही वो पूरी गैलेक्सी को उड़ाने के लिए अपने आर्मर पर लगे सभी स्टोन्स को यूज कर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसे डार्क स्ट्रेंज रिवर्स करके निगल जाता है, जो उसने टाइम स्टोन की मदद से नहीं किया था। लिटरली यार, स्ट्रेंज का ये वर्जन बहुत हैरान करने वाला है, जो देख के अल्ट्रॉन भी हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो प्रोटेक्शन स्पेल सब पे लगाई थी, वो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है। अल्ट्रॉन से काफी फाइट करने के बाद गमोरा ने जब अपनी सोर्सेस पर स्लैश मारा, तभी वो टाइम स्टोन को एक्टिवेट कर देता है, और सभी हीरो स्लो हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज, जो टाइम स्फीयर के अंदर नहीं था। जहां उसके भी आई फागोमोटो में लगे टाइम स्टोन को एक्टिवेट करते ही वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर स्ट्रेंज ने अपनी असली पावर अनलीश करना शुरू की, वो अपने अंदर से शूमा गोरेथ को बाहर निकालना शुरू करता है बाकी मॉन्स्टर्स की सपोर्ट के साथ, जो देख के कैप्टन कार्टर हैरान हो जाती है। जहां इस तरह फिर डार्क स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन को भी ओवर पावर कर दिया। सोल स्टोन गमोरा के पास जाता है और थॉर का एक पावरफुल थंडर ब्लास्ट। फिर सभी अल्ट्रॉन को डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में कैद कर लेते हैं, जो सीन इन्फिनिटी वॉर के जैसा ही था। पर यहाँ एक बात नोटिस करने की है, इस मैजिक के अंदर अल्ट्रॉन स्टोन्स को यूज नहीं कर पा रहा था, जबकि वो बिना हाथों के ऐसा कर सकता है, और वो छूटने की कोशिश करने लगा। जब गमोरा ने इन्फिनिटी क्रशर से स्टोन्स को निकाल भी लिया, बट ये काम नहीं करता है। अल्ट्रॉन ने फिर बताना शुरू किया कि जैसे हर यूनिवर्स का छोटे से छोटा हिस्सा यूनिक और डिफरेंट होता है, वैसे ही इन्फिनिटी स्टोन्स भी यूनिक होते हैं, इसलिए गमोरा के यूनिवर्स का इन्फिनिटी क्रशर उन पे काम नहीं करा।
देन फाइनली अल्ट्रॉन की असली तबाही शुरू होती है, क्योंकि उसके पास सोल स्टोन भी आ गया था। जहां ध्यान देना, सोल स्टोन की मदद से ही वो ये समझ पाया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही है जो हीरोज को बचा रहा है, इसलिए वो उसे ही खत्म कर देगा तो सब हार जाएंगे। अल्ट्रॉन का एक पावरफुल ब्लास्ट फिर वो चमकने लगा, जिसका मतलब वो फुल पावर यूज करने लगा था। न सिर्फ स्ट्रेंज, गमोरा और थॉर ही थे जो इस वक्त भी उसके अगेंस्ट खड़े हो पा रहे थे, लेकिन इस एनर्जी से नताशा और कार्टर दूर जा गिरी। जहां एक बात नोटिस करना कि वीडो की शील्ड टूट जाती है लेकिन कैप्टन की नहीं टूटी। तभी फिर नताशा को अर्निमजोला से इंस्टॉल्ड हॉकाई का वो एरो मिल जाता है, एंड अब वो उसे कैप्टन कार्टर के साथ मिलकर अल्ट्रॉन पे मारने वाली थी। जहां अल्ट्रॉन फिर इन इन्फिनिटी स्टोन्स की इतनी पावर लगा देता है कि वो ओवरयूज की वजह से ब्रेक ऑफ होने लगते हैं, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि स्टोन्स की फुल पावर को भी डार्क स्ट्रेंज टक्कर दे रहा था, एंड वो उनकी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर रोके हुए था ताकि एनर्जी एक्सपैंड होकर उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर दे। जहां इससे पहले कि हम स्ट्रेंज को थकता देख पाते या फिर इन्फिनिटी स्टोन्स ही काम करना बंद कर देते, तभी नताशा जोला से बना एरो अल्ट्रॉन की आंख में मार देती है, एंड लिटरली जोला अल्ट्रॉन की बॉडी में घुस जाता है। जहां पीछे के सीन में ही पावर स्टोन ओवरयूज की वजह से बंद हो गया था, तो मुझे लगा ये उस वजह से हुआ होगा, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, जब एरो अल्ट्रॉन पर लगता है तब वो भी काम कर रहा था। यानी जोला इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से अफेक्ट नहीं हुआ, जहां इसका रीजन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं बाद में दे दूंगा। पर फिर जोला अपनी कमाल की हाइड्रा के इंजीनियर वाली शक्तियां दिखाते हुए फाइनली अल्ट्रॉन को इंटरनली डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो दिखाता है कि जोला एक्चुअल में कितना नेस्टी वायरस है। सो अल्ट्रॉन हार जाता है, बट फिर किलमोंगर की चालाकी शुरू हो गई। उसने शुरू में थॉर से अल्ट्रॉन के सेंट्री का एक हेलमेट उठा लिया था जो थॉर वेगस से लाया था, उसी की वजह से वो अल्ट्रॉन पर लगे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने आर्मर पर लगा लेता है। जब ये देखते ही हीरोज फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ध्यान से देखना, स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से काफी एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए स्पेल कास्ट करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। देन किलमोंगर फाइनली स्टोन्स की पावर को यूज करना चालू करता है, लेकिन फिर जोला पीछे से उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर कैप्टन कार्टर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे जोला की एआई फॉर्म के बारे में विंटर सोल्जर में पता चलना था, बट बकी के बगैर उस मूवी का नाम ये नहीं होगा। पर यहाँ जोला के पास भी अल्ट्रॉन की बॉडी थी, यानी विजन वाली, इसलिए वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेने में कामयाब होने लगा, जहां ये उसकी कॉमिक बुक फॉर्म है। लेकिन किलमोंगर के पास भी सेम ही टैक्स से बना आर्मर था, इसलिए दोनों स्टोन्स को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, दैट्स व्हाई वो बीच में ही फंस गए। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि वो कभी भी जीतने के लिए नहीं बने थे, चाहे अल्ट्रॉन रहता या किलमोंगर या फिर जोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सभी बुरे थे। वो इन दोनों को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ काफी ताकत लगाकर एक पॉकेट डायमेंशन में ही कैद कर देता है, जिसके बाद वॉचर ने उन्हें छोटा बनाया और स्ट्रेंज के साथ ही ले गया। तब हम देखते हैं जिस जगह पर ये सारी फाइट हो रही थी वो शायद जापान या फिर वैसी ही कोई एशियन जगह है, पर वहां स्ट्रेंज को पता चलता है कि वॉचर ऑलरेडी फ्यूचर जानता था। उसे पता था इन्फिनिटी क्रशर फेल होगा और किलमोंगर उन्हें बिट्रे कर देगा, बट देन वॉचर ने बताया कि उसी फ्यूचर में डार्क स्ट्रेंज का सेक्रीफाइस भी है, जहां उसे इटर्निटी के लिए उस पॉकेट डायमेंशन को प्रोटेक्ट करना था ताकि वो ब्रेक ना हो जाए, एंड जोला या किलमोंगर बाहर ना निकले, वरना ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज मान जाता है, लेकिन आखिर में ही काफी स्केरी और सस्पिशियस ही साउंड भी आई, जहां स्ट्रेंज ने कहा कि हाँ ठीक है, आखिर दोस्त होते ही किस लिए है, इसका मतलब क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन स्ट्रेंज के अपने ही प्लान लग रहे हैं, क्या पता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इसी की वजह से हो जाए। और मैं इस बारे में श्योर इसलिए हूँ क्योंकि जब स्ट्रेंज ने वॉचर से कहा था कि तुम पहले से ही सब कुछ देख चुके थे, इन्फिनिटी क्रशर फेल होगा, किलमोंगर का बिट्रेयल, और मेरा, इसी पॉइंट पर वॉचर कुछ और कह देता है, जहाँ स्ट्रेंज कुछ और कहने वाला था, तो ये बात है, मींस डॉक्टर स्ट्रेंज की गेम कुछ और ही चल रही है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। फिर सबको वापस उसी मोमेंट में भेज दिया जाता है जहां से उन्हें लाया गया था, यानी वॉचर टाइम ट्रेवल कर सकता है, पर ब्लैक विडो नहीं जाती क्योंकि उसके यूनिवर्स में कोई बचा ही नहीं था। उसने वॉचर से कहा कि वो सब दोबारा ठीक कर दे, जहां वो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, बट ब्लैक विडो को एक ऐसे यूनिवर्स में जरूर ले जाता है जहां नताशा मर चुकी थी। और काफी हैरानी की बात है, यहां पर लोकी एसगार्ड की आर्मी के साथ उन पर अटैक कर रहा था, जो बताता है ये व्हाट इफ के उसी एपिसोड वाला यूनिवर्स है जिसमें हैंक पिम सभी एवेंजर्स को मार चुका है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल ही लड़ रहे हैं। इसके बाद वॉचर भी चला गया, जो आखिर में अब ये नहीं कहता कि मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, बल्कि ये कहता है कि मल्टीवर्स और उसका हर वर्ल्ड, हर स्टोरी मेरा घर है जिसमें एंड तक प्रोटेक्ट करूंगा। इसके आगे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जहां कैप्टन कार्टर को बकी नहीं मिला बल्कि उसको मिलता है हाइड्रा स्टॉम्पर, जिसमें स्टीव रॉजर्स था जो वॉचर ने किया या फिर ये यूनिवर्स ही ऐसा था, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात है, अगर यहाँ मूवी में विंटर सोल्जर मिलना था जो बुरा बन चुका था, तो स्टीव का वापस आना भी कुछ ऐसा ही होगा शायद। नाउ गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने किन किन मिस्टिकल बींग्स को ऑब्जर्व किया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखना। व्हाट टू द वॉचर एक्चुअल में पावरफुल कितना है और उसके बारे में हर बात यहाँ से जान सकते हो। नाउ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।